अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देसी घी का हलवा, आटे का हलवा। ठीक है, ये देसी घी में बनता है तो इसको आप सीरा भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये घर का बना हुआ देसी घी ऐड करेंगे। हम अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देंगे। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। तो अब हम इसमें गंदम का दुरदुरा पिसा हुआ आटा 1 कप ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ठीक है, इसका कलर जो है हम ब्राउन करेंगे। गाइस, हम इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। गाइस, मुझे इतना ही कलर चाहिए था तो मैंने इसको इतना भून लिया। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप ज़्यादा भी भून सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप उतना डार्क कर सकते हैं। तो इसको जो है हमने अच्छी तरह से भूनना है, वरना इसमें से कच्चेपन की स्मेल आएगी। तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 ग्लास के करीब पानी लिया है। तो आप जितना पानी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। वैसे ये जो हलवा होता है ये ठीक ही होता है ज़्यादातर। बंद कर दी थी, अब मैं दोबारा से इसके नीचे फ्लेम लगा ली है क्योंकि वो पहले ज़्यादा जल रहा था। और जी, यहाँ पर हमारा हलवा अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आपको जितना थिक चाहिए आप उतना रख सकते हैं। मैं अभी इसको थोड़ी देर तक और पकाऊंगी। और जी, यहाँ पर जो है हमारा हलवा काफ़ी थिक हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने 1 कप शुगर ली है। अब शुगर को मेल्ट होने तक अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। और जी, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और गाइस, ये जो आप इसके ऊपर वाइट वाइट देख रहे हैं ये क्योंकि हमने घर का बना घी ऐड किया था, इसकी वजह से ये ऊपर हुआ है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो गाइस, हमने तो इतना थिक रखा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, और हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किए क्योंकि आटे का हलवा जो होता है वो ड्राई फ्रूट्स के बगैर ही अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।